अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। मनुष्य बुद्धि के कारण सर्वोपरि है। उसका पहला कर्तव्य मस्तिष्क का विकास करना है। यह विकास ज्ञान के उपार्जन से होता है। ज्ञान का उपार्जन स्वाध्याय से होता है। यह जानने की ज्ञान की कोई सीमा और आयु नहीं होती है। ज्ञान कितना भी बढ़ा लो कम है और किसी भी आयु तक या मरते दम तक पालो कम है। ज्ञान असीम है और प्रत्येक पल किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार मिलता रहता है। मनुष्य चाहे तो अल्पायु में भी ज्ञान पाकर ज्ञानी हो सकता है। संकल्प के साथ अभ्यास करने से अल्प समय में भी मस्तिष्क को प्रखर एवं ज्ञान से परिपूर्ण बनाया जा सकता है। लोक में चर्चित है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। सीखना अभ्यास से होता है। कोई भी ज्ञान व्यवहार में लाने से और निरंतर अभ्यास करने से परिपक्व हो जाता है। गागर में सागर की तरह मस्तिष्क एक छोटी सी खोपड़ी में समाया हुआ ब्रह्मांड है, जिसमें परमपिता शिव जन्म से ही रहते हैं। वरदान के लिए मात्र साधना की आवश्यकता है। ज्ञान पाने की साधना जिज्ञासावश स्वाध्याय में छुपी है। ज्ञान को स्वाध्याय से पाकर या गुरु से पाया जा सकता है। किसी सफल व्यक्ति का अनुसरण करके या अनुभवी के ज्ञान को उससे पाकर मस्तिष्क का विकास किया जा सकता है। विकसित मस्तिष्क ज्ञान से परिपूर्ण होता है और जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लक्ष्य प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। अगले सप्ताह हम किसी अन्य चर्चा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।